तो हम आई थिंक इतने कम टाइम में तो सबको जज नहीं कर पाएंगे कि कौन कैसा खेल रहा है, लेकिन जो एक बंदा है अभिषेक, मुझे उसका गेम अच्छा लगा, थोड़ा बहुत देख के जो समझे, पूरा तो नहीं देख पाए, लेकिन वो बंदा मेरे को लगा कि बहुत सारी चीजों पे स्टैंड लेता है, भले ही पूरा घर उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन वो अपने अपने चीज पे, जिस चीज पे स्टैंड लेता है उस पर अड़ा रहता है। तो मैंने कहा था ना स्टैंड लेता है अभिषेक, तो बिग बॉस हाउस का, हाउस के अंदर का जो हाल रहता है वो हम समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, कि जब आप ऐसे जगह पे हो जहाँ पे सारे लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं तो आप मेंटली कितने ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब सम टाइम आपको ऐसा लगेगा कि यार हमको निकालो, फेंको, हमको यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि आप वहीं पे रह सकते हो जहाँ पे सिर्फ आपको प्यार मिलता है, पॉजिटिव वाइब मिलता है, लेकिन कहीं ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे कोई आपको देखना नहीं चाहता है, वहां सर्वाइव करना सबसे टफ टास्क होता है। आई थिंक जो मुझे लगता है जो भी करता है वो वन ऑफ द बेस्ट कंटेस्टेंट। ये तो रील देख करके इतना अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दी है जो थोड़ा बहुत जानी है। मैं तो एपिसोड, हर एक एपिसोड देखा हूँ, और स्टार्टिंग में भले मुझे पसंद नहीं था, और मेरी वजह से शायद मैंने इसको, इसके कान भर दिए थे, मैंने बोल दिया था कि अरे ये ऐसा खेल रहा है वैसा खेल रहा है, तो इसने भी, ये भी मेरी वीडियो में बैठी हुई थी, इसने बोल दिया था कि हाँ मुझे मुनव्वर अच्छा लग रहा है, मनारा अच्छी लग रही है। लेकिन बिग बॉस एक ऐसा शो, जैसे कि मैंने पहले भी बोला वीडियो में, कि हर एपिसोड के बाद परसेप्शन चेंज होता है इंसान का, जो अगर देखता है वो। तो स्टार्टिंग में मुझे अभिषेक नहीं पसंद था, बट उसके बाद जितने भी एपिसोड्स आए हैं, मुझे जब से वो चिंटू के एंट्री, जो हिलता मिनारा है यूं करते करते जो एंटर किया ईशा का बॉयफ्रेंड, उसके बाद से लेकर आज तक मुझे अभिषेक बहुत अच्छा लगा है। हर चीज़ पे स्टैंड लेता है वो लड़का, हर एक, मतलब कि तू सोच ले कि अगर कोई भी चीज़, तू भी तो थी ना बिग बॉस के अंदर, तो तू जैसे चाहे वो तेरे दोस्त हो या ना हो, लेकिन तू स्टैंड लेती थी, कुछ भी होता था तू बोलती थी, तो वैसा अभिषेक है। उसको कुछ भी रहे, मतलब गलत है सही है, अगर वो सामने वाला गलत है तो अगर उसका दोस्त ही क्यों नहीं है, लेकिन वो बोलता है। पहले विक्की के आड़ में खेल रहा था, विक्की के साथ साथ में खेल रहा था, तो लोग उसको पसंद नहीं करते थे कि विक्की का सपोर्ट लेके अंडर में खेल रहा है। जब विक्की ने एक गलती किया, मोहल्ले की चाची है विक्की जैन, जो एक गलती किया, जो उसके बाद तुरंत उसके अगेंस्ट में हो गया, और आज तक उसके अगेंस्ट में है। तो मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है, जैसे कि बिग बॉस के घर के अंदर मनीषा ने खेला था, और एकदम डट के खेली थी, स्टैंड लेती थी, जो भी गलत लगता था लड़ती थी उसके लिए। तो वैसे ही मुझे अभिषेक भी अच्छा लगता है, जेन्युइन है, रियल है, जैसा कैमरे के पीछे है वैसे ही कैमरे के सामने है, वैसी मनीषा भी थी, जैसा ऑफ कैमरा रहती है वैसे ही ऑन कैमरा रहती है, वैसे मुझे अभिषेक भी बड़ा अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। इसका रील देख देख करके इसका परसेप्शन बना ऐसा, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, और जिस दिन चाटा मारा था समर्थ को, उस दिन से तो मुझे बहुत अच्छा लग गया था। जहाँ तक मुझे बाहर लोगों का रिव्यू पता चला, या फिर विशाल भी बिग बॉस का बहुत सारा फैन है, तो इसका भी चॉइस हम समझ सकते हैं कि मेरे से थोड़ा सिमिलर है, तो अगर ये अभिषेक को पसंद कर रहा है। अरे तू कोई भी एपिसोड उठा के देखेगी ना, मैं कह रहा हूँ कि तू कोई भी एक दो थप्पड़ मारने वाला एपिसोड उठा के देख, अगर तू वो एपिसोड पूरा देखने के बाद अगर तुझे अभिषेक ना पसंद आया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, मुझे पता है। मैं वही बोल रही हूँ कि अगर इसको अभिषेक पसंद आ रहा है, और जहाँ तक हम सुने हैं कि बाहर ऑडियंस को भी अभिषेक पसंद आ रहा है, तो इसका मतलब जनता इज द रियल हीरो। अगर जनता, अगर हम बिग बॉस नहीं देखे हैं मतलब अच्छे से, लेकिन जनता सब कुछ देखता है, अगर जनता किसी को सपोर्ट बाहर कर रहा है इसका मतलब वो अच्छा खेल रहा है, अगर अभिषेक को सपोर्ट मिल रहा है बाहर इसका मतलब वो अंदर अच्छा खेल रहा है, तो हम चाहेंगे कि जनता उसको और सपोर्ट करे, उसको वोट करे, क्योंकि जो जिसको हमेशा यही होता है कि जिसको अंदर कोई प्यार नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है, उसको हमेशा बाहर जनता बहुत सपोर्ट करती है, जो मेरे सीजन में भी हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था। तो आई थिंक अगर अभिषेक को ये पसंद कर रहा yes, है, और ऑडियंस बोल दी है, हम सब जाके वोट करो, तो अभिषेक को सपोर्ट कीजिए, वोट कीजिए। और जहां तक हम नहीं देखे बिग बॉस, अभी भी बोल रहे हैं पूरा नहीं देखे, हम किसी के बारे में इतना नहीं कह पाएंगे, पर खेल रहे हैं अच्छा, बहुत तो खेल रहे हैं, बट मुझे ज्यादा अच्छा अभिषेक अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन मुझे लग रहा है जो अच्छा खेल रहा है, खुल के खेल रहा है, वो अभिषेक है। तो कीप गोइंग अभिषेक, और अच्छे से खेलो, और ऑल द बेस्ट ब्रदर, ऑल द बेस्ट।